स्टूडेंट, आई एम सौरभ ढाका, आई टीच ज्योग्राफी इन क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेनिनसुलर प्लेटो, माउंटेन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। दिस इज डिवाइडेड इनटू मेजर थ्री पार्ट। फर्स्ट इज नियर इंडस रिवर, द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दिस रिवर दे आर कंटेंट रॉक्स, सैंडस्टोन एंड मैनी थिंग्स। दे आर डिपॉजिट देयर इन प्लान। मीन नदियां जो अपने साथ बड़े बड़े पहाड़, पर्वत और उनके जो टुकड़े होते हैं वो इन मैदान में ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। नॉर्थन प्लेन की विड्थ कितनी है? इट विड्थ इज नियर 32। विड्थ नहीं, ये लेंथ होगी इसकी। लेंथ ऑफ दिस एरिया इज 3200 किलोमीटर एंड विड्थ इज वेरी 162 किलोमीटर एंड डेप्थ ऑफ नॉर्थन प्लेन इज 1000 to 2000 किलोमीटर। नॉर्थन प्लेन, हेलो मतलब इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट इज दिस भाबर, भाबर रीजन, तराई एंड अलोवियल फैन। अलोवियल फैन, अलोवियल प्लेन, भाबर। भाबर क्या होता है? मीन जो शिवालिक के फुट हिल पे नदियां आती है और वो उसके अंदर जलमग्न हो जाती है। इसके साथ अपने साथ पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े लाती है, वो उसको वहीं पे डिपॉजिट करती है और उसके अंदर जलमग्न हो जाती है। मीन डिसअपीयर हो जाती है, तो उसको हम भाबर बोलते हैं। भाबर के जो साउथ में होता है और जहां से ये नदियां डिसअपीयर होती है वे दोबारा सामने आ जाती है, उसको हम तराई रीजन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेशन, नेचुरल थिंग्स, बहुत से प्राणियों का घर होता है, इसे हम तराई रीजन बोलते हैं। अब बात करते हैं अलूवियल प्लेन की। अलूवियल प्लेन को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज खादर, सेकेंड इज बांगर। तराई के जो साउथ में बार बार जहां पे बाढ़ आती है और नई मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम खादर बोलते हैं। बांगर, ये खादर के वो उच्च भूमि है जो पहले के समय में मिट्टी के द्वारा लाई गई थी और वहां पे अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, इसे हम बांगर कहते हैं। ये हम हो गया हमारा नॉर्थन प्लेन। अब हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में।
डेजर्ट। यह अरावली हिल्स के पश्चिम में, मीन ये अरावली हिल हो गई, इसके पश्चिम में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है इसे इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। इसमें 150 mm से कम बरसात होती है, एक साल में यहाँ पे 150 mm से कम बरसात होती है। इसमें बहुत सी नदियां बहती हैं जो मेन तौर पर इसी के अंदर डिसअपियर हो जाती हैं। इसमें बहने वाली मुख्य रिवर है लूनी रिवर, जो यहाँ से चलती है अरावली की हिल्स से और आगे जाके इसी में डिसअपियर हो जाती है। इसमें बहुत ही कम वेजिटेशन मिलती है, इसमें सैंडस्टोन, मशरूम जैसी कलाकृतियां मिलती हैं। इसमें एवोपरेशन ज्यादा होता है और प्रिस्टिपेशन कम होती है, मीन इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वर्षा कम होगी, इस कारण यह बहुत ही शुष्क जगह है। भारत में इसका क्षेत्रफल बहुत फैला हुआ है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक सिंध का क्षेत्रफल जो कि अब पाकिस्तान में है, दूसरा कच्छ ऑफ रण। और विश्व में अगर इसकी बात करें तो यह बहुत ही हरा भरा डेजर्ट है अन्य की तुलना में। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन की। अकॉर्डिंग टू लोकेशन इंडियन कोस्ट प्लेन्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप। फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन एंड सेकेंड इज ईस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन। वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन कौन सी हो गए, ये इस साइड वाले जो कि वेस्ट की तरफ है, और ईस्टर्न जो कि ईस्ट की तरफ है। और अब बात करेंगे हम वेस्टर्न की। वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन ये बहुत समुद्र में सबमर्ज हो गए हैं, मीन ये समुद्र की तले में आ गए हैं, इनका पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे कि हम प्राचीन काल में बात करते हैं, बहुत से क्षेत्र इस समुद्र से बाहर होते थे, धीरे धीरे ये समुद्र में मर्जिन हो रहे हैं। वेस्टर्न कोस्ट लाइन में हम इस काठियावाड़ पेंसुला को कौन सा बोलते हैं, कच्छ काठिया। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र और गोवा की तट को कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। और कर्नाटका के कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट। और केरल को मालाबार कोस्ट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट। और इसमें कई छोटे छोटे यहां पे द्वीप भी है। ये हो गई हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो कि इस तरफ से बे ऑफ बंगाल के तरफ लगती है। यह है अरेबियन सी, यह है बे ऑफ बंगाल। यहां पे केरल के नजदीक कयाल झीलें मिलती हैं। इनका पानी कुछ इनलैंड में चला जाता है जिससे यहाँ पे पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है,
फिशरिंग मछली पालन किया जाता है और इनलैंड नेविगेशन के लिए भी इसका यूज होता है। केरल की प्रमुख नौका दौड़ इस कयाल लेक में ही होती है। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट की। ईस्टर्न कोस्ट लाइन कटी फटी लाइन है और इसकी विड्थ इतनी नहीं है जितनी वेस्टर्न कोस्ट लाइन की है। इसमें बहुत सी नदियां अपना जल गिराती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है। ये हो गए ईस्टर्न कोस्ट लाइन। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे हम आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड के बारे में कौन कौन से द्वीप है, आइसलैंड मेनली इंडिया के आइसलैंड को दो भागों में बांटा गया है, अरेबियन सी के आइसलैंड बे ऑफ बंगाल के आयरलैंड। अरेबियन सी में मुख्य तौर पे लक्षद्वीप, मिनी कोए और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। बे ऑफ बंगाल में मुख्य तौर पर 572 आइसलैंड है। टोटल छोटे में बड़े मिलाकर कुल 572 आइसलैंड है। इसकी हम बात करें तो अंडमान की, इसकी सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक ऑफ दिस इज सैंडर पीक, इन अरेबियन सी, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोरल रीफ से बना हुआ है। कोरल रीफ मीन ये एक प्रकार का जीव होता है, मूंगे की छाल में बनता है ये। जैसे कोई एक जीव मर गया उसके ऊपर दूसरा जीव अपनी खाल बनाएगा, खोल बनाएगा और उसके ऊपर फिर दूसरा जीव, ऐसे ऐसे करके एक जगह का निर्माण हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लक्षद्वीप और इसमें कई वोल्केनो इरप्शन भी होते हैं जिससे उनका लावा समुद्र पे आता है और एक चट्टान का निर्माण होता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप और हमने लगभग यह चैप्टर को पूरा कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप सीधे मेरे नंबर से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है ये, मैसेज करें, कमेंट करें, वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू स्टूडेंट।